बात है उस समय की जब देश में बौद्धिक क्रांति का दौर था, धार्मिक आंदोलन जोरों पर थे, यानी स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती का समय। ऐसे में देश में विज्ञान शोध कार्य लगभग नहीं के बराबर हो रहे थे। तब कोई शख्स इन सब घटनाओं से दूर, इन सारी गतिविधियों से परे कुछ ऐसा तैयार करने में लगा हुआ था जो लोग केवल कल्पनाओं में सोच सकते थे। एक ऐसे यंत्र का आविष्कार जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। एक ऐसी मशीन जिससे लोग अपनी बात एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के पहुंचा सकते थे। वायरलेस रिसीवर का आविष्कार, जिसे आज की भाषा में रेडियो कहते हैं, जिससे किसी स्थान पर बेतार संकेत भेजे जा सकते हैं। उस महान शख्स का नाम था जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 में पूर्वी बंगाल में हुआ था, जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है। इन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन की खोज की थी। इन्होंने एक ऐसा यंत्र तैयार किया था जिससे किसी भी स्थान पर कोई भी संकेत बिना किसी तार के या किसी माध्यम के भेजा जा सकता था। और आज इसी वायरलेस कम्युनिकेशन की वजह से ही पास टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार, रिमोट सेंसिंग, इंटरनेट, इन सब चीज़ों की खोज हो पाई है। सन 1895 में उन्होंने इस रिसीवर का आविष्कार किया। इस रिसीवर का आविष्कार एक नई प्रकार की रेडियो तरंगों के आधार पर किया गया था, जिन्हें आज माइक्रोवेव्स या लघु तरंगें कहते हैं। इन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया था जिससे 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक की सूक्ष्म तरंगें निकलती थीं। इसलिए यह यंत्र इतना छोटा था कि इसे एक छोटे से बक्से में कहीं भी ले जाया जा सकता था। और उस समय सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि एक ओर जहां जगदीश चंद्र बोस ने 1 सेंटीमीटर से 5 मिलीमीटर की माइक्रोवेव्स की खोज कर ली थी, वहीं दूसरी ओर दुनिया के कई वैज्ञानिक अभी भी सैकड़ों मीटर की तरंगदैर्ध्य वाली तरंगों पर शोध कर रहे थे। जगदीश चंद्र बोस ने इन संकेतों को ग्रहण करने के लिए एक कोहरर बनाया, जिसे हम एंटीना कहते हैं, जो रेडियो तरंगों को प्राप्त कर सकता था। जगदीश चंद्र बोस ने अपनी इस खोज का प्रदर्शन कलकत्ता के टाउन हॉल में हजारों लोगों के बीच किया था। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल भी वहां मौजूद था। उन्होंने रेडियो तरंगों को 75 फीट की ऊंचाई तक भेजा और उन तरंगों की मदद से उन्होंने दीवार के दूसरी ओर रखी एक घंटी बजाई। इनके इस आविष्कार को देखकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक और ऐसा अद्भुत कारनामा उन्होंने वहां किया। उन्होंने इन्हीं रेडियो तरंगों की मदद से दूर रखे गन पाउडर में आग जला दी थी। जगदीश चंद्र के इस इन्वेंशन ने आज के वायरलेस कम्युनिकेशन की शुरुआत कर दी थी। इस वजह से इनकी प्रसिद्धि विदेशों तक पहुँच गई। तब उन्हें इस आविष्कार के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए लंदन बुलाया गया। वहां पहुंचकर इन्होंने अपने इस आविष्कार का भली भांति प्रदर्शन किया, जिसे देखकर सभी वैज्ञानिकों का मुंह खुला का खुला रह गया। लंदन में इन्होंने एक गलती कर दी कि अपने इस आविष्कार का पेटेंट नहीं लिया। इनके दोस्तों ने इन्हें बहुत समझाया कि तुम्हें इस खोज को अपने नाम से रजिस्टर करवाना चाहिए, लेकिन जगदीश चंद्र बोस का कहना था कि यह तो भगवान का वरदान है जो मेरे द्वारा सबके सामने आया, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। और इस तरह वो बिना पेटेंट लिए ही लंदन से वापस चले आए। इनकी इसी कमजोरी का फ़ायदा वहाँ मौजूद एक वैज्ञानिक ने उठाया, गुगलेलमो मार्कोनी, जो इटली से आया हुआ था। उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया और 1896 में अपने नाम इसका पेटेंट करवा लिया, जबकि इसका डिमॉन्स्ट्रेशन, इसका प्रदर्शन उसने
इस घटना के एक साल बाद 1897 में किया था। इसके बाद 1909 में मार्कोनी को वायरलेस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया। और जो इस सम्मान का सही हकदार था उसे इसका ज़रा सा भी क्रेडिट नहीं मिल पाया। गुगलेलमो मार्कोनी जो एक एंटरप्रेन्योर था, एक बिजनेसमैन था, अब वो वायरलेस टेलीग्राफ एंड सिग्नल कंपनी का फाउंडर बन गया था। इन सब के बावजूद भी जगदीश चंद्र बोस ने हार नहीं मानी और वो धातुओं और पौधों के अध्ययन में लग गए और कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को असमंजस में डाल दिया। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि जगदीश चंद्र बोस फिजिक्स के साथ साथ बायोलॉजी में भी विशेष रूप से पारंगत थे। इन्होंने पेड़ पौधों पर बहुत अध्ययन किए और दुनिया के सामने कुछ ऐसा रखा जिससे दुनिया बिल्कुल अनजान थी। वो जगदीश चंद्र बोस ही थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वो भी इंसानों और जानवरों की तरह संवेदनशील होते हैं, वो भी ठंडक, गर्मी, स्पर्श, काटे जाने पर दर्द आदि का अनुभव करते हैं। इन्होंने ऐसे कई संवेदनशील यंत्र बनाए जो पादपों के अति सूक्ष्म जैविक क्रियाओं को भी रिकॉर्ड कर सकते थे, जिसका उन्होंने सफल परीक्षण भी किया था। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नाम का एक यंत्र बनाया था जो पौधों की वृद्धि को नाप सकता था। बोस द्वारा बनाए गए इस क्रेस्कोग्राफ को कोलकाता में स्थित बोस इंस्टीट्यूट में देखा जा सकता है। इस उपकरण का प्रदर्शन इन्होंने पूरी दुनिया में 1914 में किया, जब ये प्रयोग जगदीश चंद्र बोस ने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में दिखाए तो वहाँ के वैज्ञानिक अचंभित रह गए, क्योंकि इससे पहले दुनिया में किसी ने भी जीव विज्ञान में ऐसे प्रयोग नहीं किए थे। इस दौरान एक बहुत दिलचस्प घटना इनके साथ घटी, जब इन्होंने दर्शाना चाहा कि पौधों में भी हमारी तरह दर्द का एहसास होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है, अगर उन्हें काटा जाए या उनमें जहर डाल दिया जाए तो वे भी मर सकते हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। बहुत सारे वैज्ञानिकों की उपस्थिति में जब बोस ने एक पौधे में जहर का एक इंजेक्शन लगाया और कहा कि आप सभी देखेंगे कि इस पौधे की मृत्यु कैसे होती है, उन्होंने प्रयोग शुरू किया और एक यंत्र उसके तने से जोड़ दिया, लेकिन जहर के उस इंजेक्शन से पौधे पर कोई असर नहीं हुआ। वह परेशान जरूर हुए, लेकिन अपना संयम बरतते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस जहरीले इंजेक्शन का इस पौधे पर कोई असर नहीं हुआ तो मुझ पर भी असर नहीं होगा। और अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए वो उस जहर वाला इंजेक्शन अपने आप को ही लगाने लगे। जैसे ही जगदीश चंद्र बोस खुद को इंजेक्शन लगाने चले तो अचानक दर्शकों में से एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, मैं अपनी हार मानता हूँ मिस्टर जेसी बोस, मैंने ही जहर की जगह एक मिलते जुलते रंग का पानी डाल दिया था। फिर जगदीश चंद्र बोस ने दोबारा यह एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इसके बाद यह पाया गया कि पौधे की नाड़ी की धड़कन अस्थिर होकर बढ़ने लगी, जल्द ही धड़कन बहुत तेज हो गई और फिर स्थिर। जहर के कारण पौधे की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने कई संवेदनशील यंत्र बनाए। अपने साथ हुए पिछले धोखे को ध्यान में रखते हुए जगदीश चंद्र बोस ने अपने इस आविष्कार का पेटेंट ले लिया, और जो हिंदुस्तान के किसी भी वैज्ञानिक द्वारा लिया गया पहला पेटेंट था। जगदीश चंद्र बोस ने देश के लिए जो किया उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन हमें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल उन्हें मिलना चाहिए था वो कोई और ले गया। जय हिंद, वंदे मातरम।